भाई अलिशबान यार, कितने वॉक किए आपने? 2 घंटे वॉक किए। 2 घंटे वॉक करने के बाद आज अलिशबान यहाँ पर पानी पी रही थी और सैरी की तैयारी करके बैठे हुए हम। तो जी मैं ये लुक करवा के आया हूँ, बताए कैसा लग रहा है अलिशबान? आप भी बताइए। वाइट फैम भी थोड़ा नया लुक कराया, थोड़ी सी बियर्ड को यहाँ से थोड़ा बढ़ाया है, थोड़ी सी कटिंग अलग कराई है, थोड़ी सी डिफरेंट कराई है। तो क्योंकि आपको पता है अब ये रिएक्शन देखेंगे इंशाल्लाह सबका, तो कल देखेंगे, अपने दोस्तों से भी पूछेंगे, ऑफिस वाले से पूछेंगे, देखते हैं क्या लोग कैसा लगा उनको। फिर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेट्स सी कि अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह, मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा था। फिलहाल सही करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर से। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी जो भी नया आने वाले हैं उनको वेलकम करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो भी अभी चलते हैं, नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद फिर मुझे एक जगह जगाना है काम से, वहाँ से होके आते हैं। तो सबसे पहले नमाज ज़रूरी है, और दुआ में हमें भी याद रखें, हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए होती है और इस दुनिया में जितने भी लोग मसले मसाइल में उनके लिए होती है। तो बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट थी, चलते जी। उसके बाद जो भी अपडेट आप दे देंगे सी पी आर मोहब्बत इखला के साथ बने रहिए। चले जी, कल से ये बंद हो गया था दरवाज़ा, तो खुल ही नहीं रहा था। हम सारे बंद हो गए थे, सो रहे थे, फिर लॉक खुलवा के खुला हमने। ये कल रात से बंद था और अभी खुला है, बड़ी मुश्किल से खुला है और इतनी परेशान के इस दरवाजे ने। हम सब लोग गए थे और लॉक खराब हो गया, छुरी से भी खुला है, छुरी से भी खुला है। चलें जी, शुक्र है लॉक तो खुल गया, तो अभी करते हैं सफाई, क्योंकि मैंने कहा पहले लॉक खोल लेते हैं फिर बार बार कमरे से आना पड़ता है, तो अभी करते हैं सफाई। चलें जी, यहाँ पर देखें सफाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो मैं जा रही अपने रूम में, पहले मैंने अम्मी की और किचन की सफाई कर ली थी, तो फिर मैंने ना सोचा अपने रूम की एंड में करूँगी। तो अभी चलते हैं अपने रूम की सफाई करते हैं, और आज ना हद से ज़्यादा गर्मी है। चले जी, ये है हमारा नया लुक, और इस पर हमने थोड़ा सा हल्का सा स्पाइस टच किया, और जो है पुराना सबसे पहला मेरा जो कॉलेज का लुक था वो ये था। तो जी अभी हम चलते हैं नीचे, अभी नमाज अदा किए, घर आए थे फ्रेश हुए, तो कुछ फातिमा ने सामान लिख के दिया है, वो सामान लाना है जो कि ये लोग बनाए हैं घर पे। अभी हम मैं और एक बच्चा है वो नीचे जा रहे हैं, कुछ सब्जी वगैरह लेंगे, सब्जी वगैरह लेने के बाद कुछ जूस वगैरह जो पे करने हमने वो पे करेंगे इंशाल्लाह। फिर शायद हो सके मैं आज इम्तियाज़ जाऊँ ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि ग्रॉसरी का सामान काफ़ी सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि रमज़ान बहुत तेज़ी से यूज़ हुआ है। चीनी वगैरह जो भी था वो डबल मकदार में यूज़ हुआ, शरबत वगैरह चाय वगैरह बनती रहती थी, दूध वगैरह ज़्यादा चाय बनती थी, इस वजह से वो भी ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ें लानी है इंशाल्लाह, ग्रॉसरी का सामान इम्तियाज़ जाएंगे अभी। तो अभी फ़िलहाल की अपडेट ये है कि अभी चलते नीचे, सबसे पहले सब्ज़ी भेजते हैं ताकि जल्द से जल्द अफ्तारी का सामान आ जाए और ये लोग रेडी करें, कि 1.5 घंटा रह गया बाकी अफ्तारी में। चलें जी, साथ में मैं यहाँ पे देखी अभी असर की नमाज तो पढ़ ली है, और अभी मैं बना रही हूँ शरबत, तो टाइम होने वाला है इफ्तार का, तो फातिमा सालन बना रही है। मैं जब तक शरबत बना लेती हूँ और काम कर लेती हूँ सारे। सबसे पहले तो घर की सफाई की थी उठ के, और यहाँ पे देखें ये अम्मी का रूम है, और ये चारपाई इसलिए रखी है क्योंकि खाला यहाँ पे सोते ना इसलिए, और ये अम्मी का बेड है, और ये देखें कितनी प्यारी बेडशीट लग रही है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। चलिए अभी जल्दी से काम कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जामेश्वरी मैंने यहाँ पे ला के रख दी है। भाई अभी किसी स्टॉप पे थे, यहाँ हमने सोचा यार कैश की ज़रूरत है, तो किसी को पेमेंट करनी थी मुझे, यहाँ से सबसे पहले बैंक से पेमेंट निकलवाते हैं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब है, अफ्तारी के बाद फिर टाइम ना मिले क्योंकि वो आ जाएगा। फिर हम नमाज़ पढ़ने के बाद निकले हैं अभी मस्जिद से, तो यहाँ से अभी हमने सोचा फ्रूट ले लें, फ्रूट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अच्छे ये मिल रहे हैं, खुशबूदार मतलब मीठे, गारंटी दे रहे हैं मीठा होने की, तो यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट लेने के बाद गाड़ी चलते हैं। किसी स्टॉप पे आए, यहाँ से फ्रूट मालूम किया, सामने लाल लाल बिल्कुल बिल्कुल रेड पड़ा हुआ है फ्रूट, उसको क्या कहते हैं यार मैं भूल जाता हूँ, खरबूजा नहीं तरबूज नाम भूल जाता हूँ, वाटरमेलन। तो वो मिल रहा था कि मैं 150 रुपये किलो, अभी पूछते घर से अगर उनको चाहिए तो मैं ले लेता हूँ 2 से 3 किलो, ताकि अभी वैसे तो पड़ा था फिर भी पूछ लेते हैं, तो मैं स्टाफ पे आया था फ्रूट लेने के लिए। वही ऋषभा ने काटना भी शुरू कर दिया माशाल्लाह, धो के लिए आए, बाकी जो है ना टोकरी में रखे हुए वो जो है मैं धो रहा हूँ उसको, ताकि साफ़ करके रख लें फ्रिज में। अभी इसको धोते हैं सबसे पहले, ये बहुत मीठे लग रहे हैं, अल्लाह करे मीठे होने भी चाहिए। तो अफ्तारी से एन थोड़ी देर पहले मैंने पीछे जानवर बिछा दिए हैं, क्योंकि वो अफ्तारी के बाद शायद नमाज अदा करेंगे। फिर जो है ना अभी थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं मैं और मेरे चाचू, पीछे मेरे चाचू आपको नजर आ रहे हैं वॉक कर रहे हैं, वो काफ़ी दिनों बाद जो है वॉक कर रहे हैं, उनका असल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो एक्चुअली घर में अकेले ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते ज़्यादा, उनको कहते हैं वॉक की जाए क्योंकि इनके थोड़े से मेडिसिन वगैरह चल रही है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर छत पर वॉक कर रहे हैं, वॉक करने के बाद अभी चाचू देखें, चाचू वॉक कर रहे हैं। चले ये अल्लाह पाक इनको सेहत याबी अता फरमाए, पहले बहुत सेहतमंद होते हैं, और इनकी माशाल्लाह
काफ़ी तंदुरुस्त थे हमारे टाइम में और काफ़ी रोब दबदबा था, लेकिन अब जो है जब से बीमार हुए हैं काफ़ी सालों हो गए हैं इनका इलाज चला, इसी वजह से थोड़ा सा वीक होकर जा चुके। तो अभी हमने कहा इनको वॉक किया करें, घर वाले भी कहते हैं वॉक करें, अभी माशाल्लाह खुद चल के और ख़ुद वॉक करें, पीछे देख सकते हैं आप, ये अच्छी चीज़ है कि ग्रो कर रही है। मेरे छोटे चाचू हैं माशाल्लाह से, अपने दौर में ये हम लोग का बहुत ख्याल रखते थे, इंशाल्लाह जल्दी गेन करेंगे, पूरी हमारी दुआएं इनके साथ इंशाल्लाह। जी अम्मी भी आ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं इम्तियाज़। अम्मी आपको चाहिए? हम वैसे घर का सामान ही लेने जा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ बताना हो तो बता दें। कुछ याद नहीं। चलें जी अम्मी, आपने रोज़ा तो खोल लिया ना? हाँ, कैसा गुजरा रोज़ा? हाँ जी, थोड़ा 16 रोज़े माशाल्लाह हो गए ना जी, तो वीकनेस तो हो गई है। चलें सही, अभी हम चलते हैं, फिर जल्दी आ जाएंगे। आप सामान आप पूछ के आ जाए नीचे, ठीक है? मैं आपके नीचे वेट करूँ, बाइक निकाल रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ, बस आपसे सामान पूछना, ठीक है? मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। और कुछ चाहिए अम्मी? सब कुछ बता दें जी, जो चाहिए ना तो हम लेते रहेंगे, फिर जब खत्म हो जाए फिर दोबारा लेंगे। इस बार मैंने सोचा है नॉर्मल करके लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देते ना तो ज़्यादा यूज़ हो जाता है। हाँ हाँ, थोड़ा जैसे खत्म होता रहेगा वैसे। चले सही, अभी चलते हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो देख लेना। शॉपिंग नाराज हो जाती हो? नहीं, मैं तो नाराज नहीं होती। कल किस बात पे नाराज थी? मैं तो ऐसी मजाक करती हूँ, फिर भी देख लेना आपने। चले सही है, अभी रेडी तो हो गए, अभी चलते हैं इम्तियाज और सामान। रोजों के लिए ना सामान खत्म हो गए, तो वो चल के अभी लेते हैं। चले अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जी माशाल्लाह, इम्तियाज़ आए हैं तो आके ही देखा है कितना खूबसूरत माशाल्लाह इन्होंने सजा के रखा है। ये रमज़ान में इस तरह सजाते रहते हैं माशाल्लाह से। ये जी इम्तियाज़ का मेगा मॉल है, यहाँ अक्सर हम आते हैं जमजमा पे, और यहाँ हर चीज़ें मिल जाती हैं। मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट है ना? आपको और जगह नहीं पसंद आती ना? एक और इम्तियाज़ लेके था, वो छोटा था, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और जगह नहीं समझ आती ना आपको? तो अभी चलते हैं अंदर, अपनी ग्रॉसरी का जो ज़रूरत का सामान है वो लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ से भी हम ट्रॉली लेंगे, ट्रॉली लेने के बाद अंदर जाएंगे, और आज रश नहीं है क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद हम आएँ, तो रश कम है, इसलिए हम जल्दी से आराम से अपनी शॉपिंग कर लेंगे। कलर कैमरे में सही नहीं आता, ये ग्रीन कलर है ना? हाँ। चलें जी, यहाँ पर देखें, एक ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। चले सही है माशाल्लाह। बस ये लास्ट ट्राई करें, वो भी ऐसी होगी, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी हम जा रहे हैं मेन मोहल्ले में, अपना सामान तो शॉपिंग वगैरह कर लिए, अभी आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद हमें दूध वगैरह यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद आगे जाके और नहीं ग्रॉसरी लेनी है। ट्रॉली भर के सामान जो है ना लिजबा से मैंने उठवाया आज, लेकिन आज फर्स्ट टाइम जो है ना किसने लिया सामान आज फर्स्ट टाइम किसने लिया सामान? तो फर्स्ट टाइम मैंने आज शॉपिंग की अपनी, भाई आज सिर्फ मेरा सामान जा रहा है और कुछ घर का राशन जा रहा है। तो जी आज बर्डन सारा लिजबा ने उठाया है, और लिजबा का दिल भी नहीं कर रहा उठाने, क्योंकि आज मैंने शॉपिंग जो कर ली है मजाक कर रहा था भाई। आज माशाल्लाह से शॉपिंग ग्रॉसरी सब हम लेके जा रहे हैं। क्या थकते थकते सांस चढ़ गया हम लोग का, सामान उठा रहे थे। अलीजबा ने 3 थैलियाँ उठाई थी, मैंने 2 कार्टन उठाए थे, जो कि 5 किलो का था एक, और एक था मैं खरीद कितना था 12 किलो, 12 किलो मैंने 5 17 किलो का मेरे पास वजन था, और 5 किलो चढ़ा के मैं मेरी हालत देख सकते हैं। तो ये जी अभी सामान लपटेंगे, सामान लेंगे, इसमें जो हमारे ये टिश्यू पेपर के बॉक्सेस ले आए हैं एडवांस में हम, हाँ, और ये चलते भी लंबा है, वो यूज़ हो रहा है देखें, तो ये एक बचा हुआ था फिर मैंने चले लेता। हाँ, तो वकार ज़्यादा यूज़ करें ना, वकार को एक दे देंगे, सही ना? तो अब ये सारे उनके होते हैं, हाँ, तो उसके साथ साथ जो है ना ये सारे साबुन वगैरह यूज हो रहे हैं। ये मेरी पेंटें हैं जी, ये मैंने ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दिया भाई, मेरे को 4 पेंट चाहिए थी, 3 पेंट काफ़ी इनफ है मेरे लिए, बहुत नरम थी, अच्छी आप पहले से कलर नहीं थे, नहीं थे, और है ही भी कॉटन की, ये गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा। हाँ, कितना आ रहा है जल्दी करें, जीन्स है, कॉटन जीन्स है, और इसके अलावा मेरे पास ये कॉटन नहीं थी जो कि अभी लेनी है, ठीक है ना? अभी शर्ट्स लेनी है और आपकी शॉपिंग शुरू करनी है, ठीक है जी? मेरी थोड़ी सी होती है। ओहो हो,
आज मैं आ रहा था रास्ते में, बोलती पीछे एक छोटी सी मासूम सी लड़की बैठी, उसका भी सोच लो। मैंने हाँ हाँ बिल्कुल, उसका मैंने बिल्कुल सोचा हुआ है। अच्छा ये अलिश्मा ने चूज़ किया वहाँ पर, मैं ये नहीं ले रहा था, अलिश्मा ने अलिश्मा का फोकस किया, उसने आओ आज आपको पेंटे दे दूँ। तो आज आपको कैसा ख्याल है मेरा, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जब भी हम जाते ना अच्छी नहीं होती, मतलब मैं जब भी जाते मैं ऐसे सोचते नहीं हूँ शॉपिंग का, नहीं सोचते पर अच्छी भी नहीं होती। अच्छा तो आज इन्होंने अच्छी पेंट ली है माशाल्लाह, बहुत ही कलर अच्छे, ईद का सीजन आ रहा है ना तो अच्छी उन्होंने रखी है, बहुत अच्छे कलर थे, इससे भी ज़्यादा अच्छे थे। चलें जी अभी आई सामान से बैठते हैं, ठीक है जी। तो जी हमारा हो गया है पसीने से बुरा हाल, और गर्मी हो रही है और पंखा बंद किया हमने, बहुत गर्मी है। हाँ और आज मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है मेरी कज़न की वाइफ की तरफ से, बोला आप आमिर भाई गोरे हो रहे हैं। अब ये आप बताइए कैसा लग रहा हूँ। तो जी पहली बार मैंने इम्तियाज़ से अपनी पैंट्स लिए, इस बार को पता है पूरे एक साल हो गया शादी को, तो मैं पैंट्स लेकर लेता था सदर से और दूसरी मार्केट से लेता था जो शॉप्स थी, तो इम्तियाज़ की भी अब ट्राई कर लेनी चाहिए। हाँ तो अलीफा ने माइंड लगाया, माइंड पसंद लगी, इस मैंने बोला बने अब लेंगे। तो जी माशाल्लाह बहुत अच्छी पैंट्स मिल गया हमें, अब हम जो है ना सामान सामान ले गए, यही करते लोग हैं नए नए वाले को वेलकम करते, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।